पंजाबी भावें दुनिया के किसी भी कोने विच क्यों ना वस जान अपनियां खेडां सभ्याचार नूं हमेशा प्रफुल्लित करन विच योगदान पाउंदे ने। जी हाँ, आस्ट्रेलिया की धरती ब्रिस्बेन के बहुत ही सोहने शहर गोल्ड कोस्ट विच 35वीं आस्ट्रेलियन सिख गेम्स होण जा रहीआं ने, जिस दीआं तैयारियां प्रबंधकां वल्लों हुणे तों जोरां शोरां नाल कीतीआं जा रहीआं ने। इह खेडां 2023 अप्रैल 7, 8 अते 9 नूं होण जा रहीआं ने। ब्रिस्बेन दे 14 सिरमौर क्लब इकट्ठे होके इन्हां खेडां लई प्रबंध करन जा रहे ने। खेडां दे नाल नाल लंगर भी अतुट वरताया जाएगा। होर इन्हां खेडां दे विच की कुछ खास होण जा रहा है, आओ जानदे हां। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हर्षपाल है ते अज असीं पहुंचे हाँ एजुकेशन सेंटर लोगन गुरु घर दे नाल जो लिया होया उत्थे, जिथे कि सिख खेडां दी कमेटी दे जिन्ने भी ऑर्गनाइजर ने, जिन्ने भी कोऑर्डिनेटर ने आने वाली सिख खेडां लई, उन्हां दी अज मीटिंग हो रही आ, जिहदे विच उन्हां ने कुछ आपो अपनियां जो जो ड्यूटियां ने उह ड्यूटियां वंडणियां ने, की उह कर सकदे हन की नहीं कर सकदे। तो चलो आओ आपां देखदे हाँ कि उन्हां वल्लों किहड़ियां किहड़ियां हदायतां दित्तियां गईआं ने, किहड़े किहड़े सुझाव प्रगट कीते गए ने, उन्हां दे नाल चलो गल्लबात करदे हां। धन्नवाद। ब्रिस्बेन दे विच जी 35वीं सिख खेडां होण जा रहीआं ने। 35 साल पहलां एक ट्रेडिशन शुरू कीता गया सी एडलेड दे विच महावीर सिंह जी होरां वल्लों, उदों हॉकी दा एक मैच स्टार्ट होया सी जिहदे विच कि अदर दूजियां स्टेट्स तों भी टीमां आईआं सीगीआं, ते उसे लीह नूं अगे तोरदिआं होइआं 35 साल बाद असीं हुण ब्रिस्बेन दे विच सिख खेडां मना रहे हां। ऑलरेडी ये हर शहर दे विच सिख खेडां हुंदीआं ने एवरी ईयर, कि जिद्दां ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, बुलगूल गे लास्ट ईयर होके हटियां ने, ते हुण साडी वारी है। ते ब्रिस्बेन दे विच 14 क्लब ने जिहड़े कि एनसैक दी नैशनल बॉडी नाल रजिस्टर्ड ने, उहनां ने रल के ये कमेटी बनाई है जी। असीं सारे डिफरेंट क्लबां नूं बिलोंग करदे हां, ते मतलब ये सारा ब्रिस्बेन का जिहड़ा पूरा शहर है सारा रल के ये गेम्स नूं करा रहा। इहदे विच लंगर 3 दिन लंगर चलता है जी, जिन्ने दिन ये ईस्टर वीकेंड जिहड़ा उहदे ते गेम्स हुंदियां ने, ते 3 दिन लंगर चलता है। इत्थे साडे 5 गुरद्वारा साहब ने जिहड़े कि लंगर की सेवा निभा रहे हैं। ये बहुत वड्डा इकट्ठ होने की आस है जी, क्योंकि कोविड करके 2 साल गेम हो नहीं सकियां। लास्ट ईयर बुलगूलिया दी भी बड़ी शॉर्ट नोटिस से गेम्स हुई सीगियां, ते हुण इस साल ब्रिस्बेन असीं सोच रहे हैं कि 100,000 के करीब करीब बंदे दी आउण दी आस है 3 दिनों दे विच। ते इहदे विच कोई 3,000 के करीब करीब अथलीट खेडदा, ते उहदे नाल जिहड़े उहनां दे पेरेंट्स ने जां देखण वाले दर्शक ने उह भी शिरकत करदे ने। गेम्स दा जेकर देखिए तां साडे कोल कबड्डी, वॉलीबॉल, अपना सॉकर, हॉकी, ते नैटबॉल, क्रिकेट, ते टोटल गोल्फ, ते ये सारियां स्पोर्ट्स जिहड़ियां ने, बास्केटबॉल, ते ये सारियां स्पोर्ट्स जिहड़ियां ने ये वेन्यू दे उत्ते हो रही हैं। इस साल असीं कोशिश कीती है कि ये सारियां जिहड़ियां गेम्स ने इक्को वेन्यू दे उत्ते होण, ते उहदे लई सानूं जिहड़ा बेस्ट वेन्यू जिहड़ा जिथे कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुई सीगियां गोल्ड कोस्ट दे नेड़े रनवे बे एक सबर्ब है, उहदे विच रनवे बे गोल्ड कोस्ट परफॉर्मेंस सेंटर दे विच जिहड़ा मेन वेन्यू है उहदे नेड़े सारियां जिहड़ियां स्पोर्ट्स ने उहदे कोल कोल ही ने। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जसदेव सिंह बल है जी, ते मैं एनजैक क्वींसलैंड कमेटी का मैंबर हाँ जी। तुहाने सारयां नूं साडी कमेटी वालों सद्दा है जी कि 7, 8, 9 अप्रैल नूं तुसीं रनवे वे ते आके साडियां जिहड़ियां ब्रिस्बेन दियां जिहड़ियां सिख गेमां हन उहनां नूं सफल बनाओ ते उहनां दा आनंद माणो। थैंक यू। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, मैं रॉकी पुल्लर, गेमां दा मैं मीडिया इंचार्ज अते वाइस प्रेजिडेंट। मैं तुहानूं सारयां नूं खुल्ला सद्दा दिन्ना आउण वालियां सिख गेमां 35th आस्ट्रेलियन सिख गेम्स लई जो कि क्वींसलैंड विच ब्रिस्बेन विच होण जा रहीआं ने। गेमां दी कमेटी वल्लों अते सारे ब्रिस्बेन निवासी वल्लों तुहानूं सारयां नूं खुल्ला सद्दा दित्ता जांदा है कि गेमां ते आओ ते सारी रौनक वधाओ। 7, 8, 9 अप्रैल नूं सिख गेम्स क्वींसलैंड, मेरे वल्लों सारयां नूं स्वागत। रॉकी पुल्लर। सत श्री अकाल सारयां नूं जी, मेरा नाम है ज्योति अमरजोत गुराया, ते मैं तुहानूं सारयां नूं ही सद्दा दिन्नी हां सिख गेमां लई जिहड़ियां कि आस्ट्रेलिया लैवल ते असीं करदे हां। इत्थे इस वारी साडी वारी है जी ब्रिस्बेन दी, ते गेमां होणगीआं गोल्ड कोस्ट दे उत्ते, ते मेरे नाल खड़ी है मेरी टीम, साडा मेजर कोऑर्डिनेटर जी रणदीप सिंह, कल्चरल
ते जेसिका सरना. जेसिका, वुड यू लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स? I just want to say that I would encourage everyone across Australia, young, old, like, you know, we have different categories in sporting, you know, especially girls. I would like to encourage all the girls to be in part of this community, you know, games. You know, like to invite everyone from international as well. It doesn't have to be restricted to Australia alone. You know, like we want to promote our culture, not just the sporting side of things. So obviously this is what our cultural team will be doing. And we will make sure that we will endeavour to instill, you know, the good beliefs that we have, and educate our children across Australia. ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਰਣਦੀਪ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ 35ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 7, 8 ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ, ਈਵਨ ਨੋਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਜੀ. ਧੰਨਵਾਦ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ. ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਆਲ ਇਨ ਬ੍ਰਿਸਬਨ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਗੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ. ਤਾਂ 7, 8, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਕੋਸਟ ਰਨਵੇ ਬੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਗੋਲ ਕੋਸਟ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ. ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ. ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਹੇਰ.